अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक जगह से गुजरा था तो मुझे एक जगह पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया। मैंने सोचा कि यहाँ पे देखते हैं कि रश किस चीज़ का है। तो आज मैं इस शॉप के करीब से गुजरा था तो यहाँ पे मछली की दुकान है और यहाँ पे मछली जो है गर्मा गर्म मछली तैयार की जा रही है। और जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जा रही है वैसे वैसे मछली खाने वालों का रश भी जो है ना, आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से ये मछली खरीदने वाले खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। वैसे बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र है सर। किधर आए आप? मछली लेने आए। मछली लेने आए जी। अच्छा, मुझे पता चला कि आज इस शॉप की ओपनिंग है तो आपको पता था कि ये अच्छी वाली मछली बनाते हैं? अच्छा है, हम पिछले साल इनका जोन सा इस्तेमाल करते रहे। अच्छा 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 जी। तो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा इनका टेस्ट। पसंद है तो इसलिए हमें पता लगा आगे, तो फिर हम आज आ गए। ले जी, एक भाई मेरे दरमियान यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने कहा कि इस शॉप का टेस्ट जो है ना, इनकी दुकान का टेस्ट बहुत अच्छा है और मसाले पता नहीं कैसे बनाते हैं। अब इनसे पूछेंगे, इनके ऑनर से भी बात करेंगे और इनके जो कारीगर जो इधर मछली बना रहे हैं इनसे भी बात की जाएगी। और कुछ लोग और भी यहाँ पे मछली के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास इस वक्त जो है ना 15 से 20 लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट मेरे पास आए ज़रा। सर आप मुझे ये बताएं कि आप भी मछली लेने आए हैं या आप मछली लेने के लिए आए हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या इस मछली वाली दुकान की खास चीज़ नज़र आई है? ये हर साल लगाते हैं और इनकी मछली का जायका जो है ना वो दूसरों से बड़ा मुनफरद होता है। अच्छा। और सबसे जो ज़बरदस्त बात है, इनका प्राइस जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त है। प्राइस क्यों ज़बरदस्त? कितने की किलो देते हैं ये? इस वक्त उन्होंने 600 लगाए हुए हैं। अच्छा। और 600 में इस मेयार की मछली मेरा ख्याल है इस इलाके में या आसपास कहीं नहीं मिलती। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि 600 रुपए की किलो ये मछली दे रहे हैं। इवन यहाँ तक कि ऐसी मछली अगर हम बाजार से वो बगैर पकाने के कच्ची मछली लेके आते हैं ना तो 400-450 रुपए की किलो है, तो इनको कैसे बारा खा जाती है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे होते हैं इनकी माशाल्लाह एवरेज बड़ी अच्छी है। अच्छा, पिछले अच्छा। सालों में भी इनका अच्छा खासा काम रहा है तो मेरा ख्याल है इनको कुछ बचता होगा। तो यानी कि ये इनकी सेल जो है वो मनों के हिसाब से? हाँ इंशाल्लाह इनकी सेल, मेरा खुद ख्याल है कि जब से इन्होंने इब्तदा किया है तो इधर रश ही लगा हुआ है इस वक्त। अच्छा, इसकी ओपनिंग आज हुई है? आज हुई है जी इनकी ओपनिंग। अच्छा, मैं भी कोई इतनी ज्यादा रश क्यों हुआ और आज ओपनिंग का दिन है तो यहाँ पे इतना ज्यादा रश है, कोई ऑफर लगाई है इन्होंने? एक ये इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ऑफर लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या ऑफर है आज की जो आपकी ओपनिंग है और इसमें क्या और लोगों को क्या ऑफर दे रहे हैं आप? ये 1 किलो के साथ 1 लीटर बोतल फ्री दे रहे हैं। 1 किलो के साथ 1 लीटर की जो बोतल है वो फ्री है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेट क्या है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो और उसमें आप एक बोतल भी दे रहे हैं, ये क्या वजूहत है ऐसी कि क्या? अगर 10-20 या 50 बच जाए तो काफी। अच्छा, हम लोगों की तरह नहीं ना ज्यादा रेट रखते, थोड़ा ही रखते। यानी कि कुछ लोग मैं देखता हूँ कि 1300 रुपये किलो 1400 रुपये किलो मछली बेचते हैं, क्या उनकी मछली अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है या देसी घी से बनाते हैं, क्या चक्कर होता है? वो उनकी मर्जी है, जो हमारी मर्जी है, बाजार के हिसाब से रेट रखते हैं। यानी कि आपको इस हिसाब से बच रहे हैं पैसे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि आप अपनी मछली में घी इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? सरसों का तेल। सरसों का तेल, तो वो भी काफी कॉस्टली है जी। तो मसाला जात क्या क्या इसमें डलता है? मसाला यार नून मिर्चें डालता हूँ बस, अल्हम्दुलिल्लाह नमक मिर्च डालते हैं। तो इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं कि गाग खींचा हुआ चला जाए? मिर्चें होती हैं या वो दड़ा मिर्चें या कुछ थोड़े बहुत अपने अपने को ट्रीटमेंट होते हैं जो आपने खास किए होते हैं कि कस्टमर हमारा हो? ऐसे कोई भी नहीं, वो हाथ में पकाने नहीं। देखिए मेरी बात सुने, देखिए हमारी ऑडियंस भी देख रही है, हमारे हमें काफी ज्यादा लोग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं हमारे चैनल को। मैं आपको बताना चलूँ कि जो हकीकत हो ना वो हमेशा सामने आती है, वो छुपी नहीं रहती। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी रेसिपी को अच्छा करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके कस्टमर भी आपके पास अच्छे तरीके से आएंगे और कस्टमर का काफी ज्यादा रश जैसे मुझे आज नजर आ रहा है ये हमेशा रश आपके पास रहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि ये ऑफर आज के लिए या कल परसों के लिए भी है? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए, उसके बाद क्या होगी? हफ्ता इतवार को लगाते हैं ऑफर। अच्छा, यानी कि हर हफ्ता इतवार को ये ऑफर होगी आप जब तक सीजन है? जी इंशाल्लाह। चले जी, आप देख रहे होंगे कि मछली वाले भाई जो हैं इनसे मैंने बातचीत की और ये इसको पकाने वाले भी हैं, इसको मसाला भी यही लगाते हैं और कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लेने आए हैं? मैं गुजर रहा था वैसे ही आपको देख के। अच्छा, मुझे देख के रुके हैं।
तो मछली खाने का दिल तो कर रहा होगा। हाँ जी, मछली खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए, खानी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में ये बताएं? मछली बहुत अच्छी बनाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और रेट भी बिल्कुल मुनासिब है इनका। हाँ, वैसे हर बंदे की पहुँच में है 600 रुपए पर केजी, मेरे ख्याल से खा लेनी चाहिए क्योंकि आज के दौर में 450 रुपए पर केजी चिकन हुआ है। और वो चिकन अगर हम किसी अच्छे ब्रांड से, किसी लाहौर ब्रोस्ट वाली जगह से खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से हमें मिलता है तकरीबन 1100 रुपए का ब्रोस्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल से इससे कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है और प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। और डॉक्टर जो तजवीज़ करते हैं वो मछली का तजवीज़ करते हैं आपको, वो कहते हैं कि आप मछली खाएं, मछली खाने से आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और इंशाल्लाह कुछ लोग यहाँ पे बैठ के मछली खा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओको, अच्छा जी, उनसे बात करते हैं। आप खा रहे हैं अभी मेरे ख्याल से? हाँ। कैसा टेस्ट है? अच्छा है। अच्छा, यह बिल्कुल सही है? बिल्कुल ठीक ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं जी, मछली कैसी लगी है आपको? बहुत अच्छी है। अच्छी है जी। और कीमत? कीमत मामूल है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये बोतल रखी हुई है फ्री है? मुझे पता चला ना कि 1 किलो मछली के साथ 1 बोतल फ्री है। अगर जी आपसे पैसे लेते तो आपने पैसे नहीं देने इनको? अच्छा जी आप बताएं जी आपने मछली खा ली है? जी मैंने खा ली। कैसी लगी? अच्छी थी। अच्छी है जी। मजेदार है। नागरों को गुजारा है। अच्छा दोबारा फिर आएंगे? जाहिर बात है। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, आप भी आएंगे? बार बार। आपने भी खाई है मछली? हाँ जी, बड़ी अच्छी है मछली है। अच्छा, बोतल फ्री मिल रही है। ये बड़ा खाना अच्छा है। वाह जी वाह। और ये ऑफर मेरे ख्याल से इन्होंने 3 दिन के लिए लगाई है और इनके पास और भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर थे। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे लेट हो चुका हूँ क्योंकि रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए खाने के साथ, एक नई डिश के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।